हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है करीब 26 तारीख है, सुबह के 9 बज रहे हैं और इस समय मैं सूरत रेलवे स्टेशन आया हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद। यार मैंने लास्ट शो मेरा किया था 15 अगस्त को, उसके बाद फिर मैंने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया था। अहमदाबाद में आज एक ओपन माइक है तो उसको होस्ट करने जा रहा हूँ और इस समय सूरत रेलवे स्टेशन पर हूँ और मेरे साथ है अमीगो जयेश। सो जयेश भी आज स्पॉट कर रहा है और मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो मजा आएगा दोस्तों। काफ़ी टाइम बाद अहमदाबाद में दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है। सो गाइस फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन चल चुकी है और चिंता बस इस चीज़ की है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी जूता ना चोरी हो जाए। यार अहमदाबाद मेरे लिए लकी नहीं है, मेरा जूता चोरी हो गया, चलान कट गया। जो इंस्टाग्राम पे रेगुलर देखते हैं मुझे, उन्होंने देखा होगा मेरा जूता चोरी वाला वीडियो, IGTV डाला था, तुम देख लेना। तो आज बैठे तो हम, बट पूरी सतर्कता है आज, आज वो जूता चोर को पकड़ना है कैसे भी करें। नीचे हमने डाल दिया है जूता, पर कोशिश करेंगे कि आज जूता न चोरी हो जाए। बाकी पूरा दिन जूता देखता रहूंगा ऐसे कर ये देखो जयेश को सिर्फ आज एक ही काम दिया गया है, जूता पे निगरानी रखना। भाई जयेश आज जूता गया ना, नहीं नहीं जाएगा आज, पूरा पकड़ूंगा। तो आज पकड़ना है उसको, जैसे जूता लेगा ना ऐसे पकड़। सही में भाई, एक ये परंपरा है जूता यहाँ पे रखने की इसके ऊपर पर मैंने सोचा कि यार आज जूता चोर को पकड़ना है, इसलिए वापस जूता मैंने रिस्क लेके नीचे रख दिया है। अब देखते हैं आगे फिर क्या होता है। अभी एक भिखारी आया हमसे और उसने इस हिसाब से पैसे मांगा जैसे उसने गूगल पे किया हो हमसे 10 दिन पहले। कह रहे वो उस दिन गूगल पे किया था ना, वो पैसे वापस कर दे। साले इतना कॉन्फिडेंस यहाँ के भिखारियों में आ रहा है, क्या बताओ तुमको। स्पीड पकड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में। बाय बाय बरोड़ा, आओ जो आओ जो मासी चिल्ला रही थी, गाई थी पता नहीं किसके ऊपर। जो अंकल, ओ अंकल कैसे हो? देखा ही नहीं क्या? अरे बेटा पैसे पैसे नहीं है मेरे पास, वीडियो को बनाना मेरा तो अच्छा दिख रहा है इसीलिए। आराम से को मंगने का और दोस्तों इस समय हम अहमदाबाद के सेंटर में BRTS में बैठे हैं। नेक्स्ट चेन्नई स्टेशन राइट हैंड चालस्ता, चेन्नई स्टेशन राइट हैंड चालस्ता। अहमदाबाद से BRTS से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, मजा आता है, फील देता है। मतलब मेरे को कहीं जाना नहीं हो तो मैं BRTS में आ जाता हूँ, घूम के शाम को रिटर्न सुबह। दोस्तों इस समय हम लोग LD कॉलेज आए, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ अहमदाबाद का काफ़ी अच्छा और बड़ा कॉलेज है, काफ़ी सारी हमें ऑडियंस कभी कभी सूरत में मिल जाती है जो कहती है LD पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तेरा सर्टिफिकेट लेना है कौन से चीज़ का? वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, यहाँ से लेना है। लोगों ने बोला था आज मिल जाएगा लास्ट डेट, हाँ फिर नहीं मिलेगा। मेरा भी BCOM का लेना है, इंजीनियर ऑनलाइन किया था ना मैंने, वो एंड LD के जस्ट सामने ही एक और कॉलेज है गुजरात यूनिवर्सिटी, जहाँ से हमारे मोदी जी पढ़े हैं और काफ़ी बड़ा है। हाँ उनका फोटो तो लगा रहता है, फोटो दिखाते हो तुम लोग को भी। देख मेरे में थोड़ा सा डाल दो। हाँ कोई बात, बस बस पेट में जाने के बाद ठंडक हो गया, ठंडक होता है इसको पी के पेट में, गर्मी तो बहुत है वैसे। नींबू शरबत बेस्ट चीज़ होती है।
बहुत तगड़ा भाई, बहुत मस्त, मज़ा आ गया, बेस्ट। दोस्तों इस समय हम लोग एलडी कॉलेज के जो रोड पे, और यहाँ भाई साइड में स्टॉल्स ही स्टॉल्स यार, खाने की एकदम तगड़ी तगड़ी स्मेल आ रही है कि जो मिले वो खा ले। पानी पूरी भैया, पानी पूरी बनाना, पिज़्ज़ा, पराठा, सैंडविच, पराठा, मैगी, पोहा, छोले कुलचे, पराठा, आलू पराठा, चीज पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, मिक्सचर पराठा, पास्ता, तड़का पास्ता, शेजवान पास्ता, पास्ता, चीज पास्ता, बटा पास्ता, मसाला पास्ता, तड़का पास्ता, मैगी, तड़का मैगी, मसाला मैगी, कुरकुरे मैगी, मैगी शेजवान मैगी, रोया हो गया मैगी, महंगा इतने सारे, बहुत तगड़ा। गुजरात की कोई भी सिटी में आ जाओ भाई, खाने का मतलब तो मेरे ख्याल से हर सिटी फेमस होती है खाने के लिए, बट सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद में तीनों में देखा जाए तो बेस्ट खाने का सीन जो रहता है वो सूरत में रहता है, नो डाउट, स्ट्रीट फूड और जो भी वहाँ के, फिर अहमदाबाद, उसके बाद अहमदाबाद, और फिर वडोदरा में इतना कुछ खास खाना मिलता नहीं है, वही नाइट बाज़ार मेरे को पता है, और अगर कोई वडोदरा का बंदा ये व्लॉग देख रहा हो तो बता सकता है कहाँ जा सकते हैं। मैं तो नाइट बाज़ार ही जाता हूँ मटका बिरयानी खाने, वो भी एडिक्टिव चीज़ है बहुत। मानिक चौक है एक, वहाँ तो पूरा बटर ही डाल दे, चॉकलेट, चौक क्या मिलता है वहाँ, चॉकलेट सैंडविच भाई, बताओ जो बवासीर बना रहे वो लोग, सैंडविच में चॉकलेट कौन डालता है, बट सही भाई। ये आ गया मसाला डोसा, ये मसाला है और ये मैसूर मसाला, सूरत में तुमने देखा होगा मैसूर जो रहता है वो अलग से एक उसमें करके देते हैं, यहाँ का कल्चर है कि सेम अंदर डाल के दे दिया, बट टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों कि कैसा है। फिर डोसा को फ्रेंक के बना दिया, बस उसमें खाली चीज़ डाल देगा ना तो गंगोर का चीज़ फ्रेंक के बन जाएगा भाई। भाई कुछ खाने के बाद अगर कोको मिल जाए, सूरत की फेमस चीज़ कोको, जो यहाँ पे तो पता नहीं टेस्ट कैसा है, अच्छा नहीं टेस्ट, अच्छा नहीं, लूट लिया अहमदाबाद में भाई, लूट है दो बार हमें भाई, डोसा के नाम पे फ्रेंकी पिला दिया, डोसा के नाम पे तो हमें फ्रेंकी पिला दिया, कोल्ड कॉफी पिला रहे सेम भाई, ये इससे इससे बाद में लूट लेते, अब ये पता नहीं आपने फोटो किया है, इससे ठीक तो मेरा वो चाय रहता है, कोल्ड कॉफी पिला दिया, ठीक है दोस्तों। अरे काका हम लोग अहमदाबाद में न्यू है तो अपने को आइडिया नहीं है, ओटीपी देना पड़ेगा, खास नहीं है बट ठीक है, कुछ जैसा तो नहीं है, ठंडा पीना था तो पी रहे हैं, बाकी तो चल ही रहा है, और अभी हम अल्फा वन मॉल जा रहे हैं, ये दोस्तों गुजरात यूनिवर्सिटी, मोदी जी का कॉलेज, सही में यहाँ पढ़े थे वो, बोलते तो है बाकी मैंने देखने तो नहीं आया भाई, ओला वालों ने हमारा काट दिया, 30 रुपये दिखा रहा था ऑटो का, 30 रुपये दिखा रहा था यहाँ आए, मैंने बोला ना भाई तीसरी बार कट रहा है, डोसा डोसा के नाम पे फ्रेंकी खिलाया, फिर कोको के नाम पे कोल्ड कॉफी पिला दिया, और ऑटो वाला मैं बोल ही रहा था कि ऑटो वाला ना काटे, ऑटो वाला ने भी 33 रुपीज़ दिखा रहा था, और मेरा पता नहीं कौन सा पुराना ओला ने खाता खोल के जोड़ जाड़ के पुराने चार्जेस लगा के 98 कर दिया, पकड़ता हूँ ये ओला वालों, अहमदाबाद में कुछ तो लफड़ा है भाई, तू कुछ, मैं जब भी आता हूँ ग्रामीण को दिखा कि ये क्या हो रहा है मेरे घर अहमदाबाद में, पर कोई नहीं, अब मॉल में आए वन मॉल, मेरे को शर्ट लेना थी और ये, हाँ तो ले लेना अंदर से, बढ़िया इधर मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, तो लाइफ स्टाइल होगा शायद, लाइफ स्टाइल है वेस्ट साइड होगा, वो लुटेगा नहीं ना इसकी तरह, वो तो फिक्स प्राइस रहेगा भाई उनमें, तो तू क्या करेगा, पर देख अल्फा वन मॉल में आ गया, और जैसे तेरे को पता है मेरे पास एक किडनी है जो मुझे लग रहा है किसी काम का नहीं है, तो स्टारबक्स चले गया, तो मैं आई किलर में चलते हैं भाई, स्टारबक्स चल के किडनी दे देते हैं, 300 रुपये की कॉफ़ी पी लेते हैं जहर जैसी, आजा आजा लेके आजा, हो गया अपना हो गया, उठा ले भाई बैग में डाल के सूरत ले जाएंगे। तो दोस्तों एक घंटे मॉल में घूमने के बाद कुछ खास तो हम उखाड़ पाए नहीं, यहाँ पे दो वीडियो बनाए हैं, दोनों जयस ने बनाया है, और स्टारबक्स गए थे तो वहाँ किडनी निकाली गई जयस की, डर कर रहा है ना, बाकी तो ठीक है यार, मॉल वॉल पे मज़ा तो आता है, मतलब तुम किसी सिटी में जाओ और तुम्हारे पास ऐसे 3-4 घंटे है क्या करें, कुछ नहीं मॉल में चले जाओ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी जाती है, आउट ऑफ कंटेंट ऐसी वीडियो बनाता क्या भैया, कितना घुमाते हो, अक्खा गोल, अक्खा गोल मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर एक जगह जाने वाला,
कौन सा नाम है, क्या नाम है अपना? विजय क्रॉस रोड, पता है आपको? गूगल मैप से चलेंगे ना? विजय क्रॉस अपना हो गया यही, आगे गाड़ी भरी है, वस्त्रपुर। ये हेलमेट सर्कल, हेलमेट बनाया है किसी ने हेलमेट। और दोस्तों फाइनली हम लोग आज के वेन्यू पे पहुंच गए, जिसका नाम है जेल कैफे बार। तुम देख रहे हो, डू यू रियली नो मी? भारत की फजाओं को सदा याद रहूँगा, आज़ाद था आज़ाद। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बात लिखी है, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव लाइफ। डोंट ग्रो अप, इट्स अ ट्रैप। जय हिंद। डोंट ग्रो अप, इट्स ट्रैप। अरे यार, मैं अभी साला मेरा बर्थडे गया, मुझे पहले पता होता तो मैं बड़ा ही नहीं होता। नो वन रूल्स इफ नो वन ऑलवेज, सही बात है। वेलकम टू जेल कैफे बार, मस्त जेल जैसा फील आता है। कैफे जेल बार, कभी जेल जाने को ना मिले तो यहाँ पे आ जाओ। जेल काफी पारिवारिक माहौल। ये दोस्तों आज का फांसी का फंदा है, इनके साथ आज जोक्स नहीं चले तो बस जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है, मर जाएंगे। जय डेमो दिखा कैसे मरना है हमको। खत्म भाई, बस बेस्ट। फाइनली खा पी के हम लोग ने लास्ट अहमदाबाद का आज लास्ट ऑटो लिया आज के दिन का, और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये पीछे से देखो लाइट दे रहा है हमें, मस्त कैमरा में। ठीक था यार ओवरऑल जर्नी जो था, अरे वहाँ ठीक था ओवरऑल, बढ़िया था। ऑटो वालों का थोड़ा स्कैम है, ओला वालों का सीधा ना बोल देते वो लोग, तो कोई बात नहीं। बाकी ओपन माइक का तो बढ़िया था आज का यार, थोड़ा टाइम लगा ऑडियंस वो होने में, यू नो वार्म अप होने में उनको करने में, क्योंकि मोस्टली सारी ऑडियंस आज की ऐसी थी कि फर्स्ट टाइम आ रही है। पर ठीक है, अच्छा लगा करके और मज़ा आया, आते रहूँगा मैं रेगुलर थोड़ा अहमदाबाद करूँगा, ताकि थोड़ा कंटेंट टेस्टिंग हो यहाँ पे। सही है, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय। फाइनली गाइज, सुबह 6 बजे से उठा था और इस समय बज रहे करीब 2:50 और हम लोग सूरत पहुंच गए। अच्छा था ट्रिप यार, कैसा रहा जयेश? मज़ा आ गया, ये तो सो गया था भाई, नींद आ रहा। मैं तो जग रहा था, कंटेंट बना रहा था, फिर आना है अगले वीक अहमदाबाद, तो मज़ा आया यार। ऐसे एक दिन जाओ और आ जाओ, थकान तो वैसे काफ़ी हो जाती है, बट यही स्ट्रगल के दिन है अभी तो। यही बातें तो बाद में याद आएगी, यही तो टाइम है ये सब चीज़ बनाने का, मेहनत करने का, उसके बाद तो एज निकल जाएगी, फिर तो आलस आएगा हर चीज़ करने में। सो दोस्तों तुम भी मेहनत करो ज़िंदगी में, जिस भी फील्ड में हो, वर्क हार्ड, दिस इज़ राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर ऑल एफर्ट एंड मेहनत इन समथिंग। मेरी बाइक रखी थी यार एक अलग जगह पे, मुझे पता नहीं वहाँ से उठा ली गई होगी कि है वहाँ पे, तो बस वही जाके देखना है। इलीगल जगह पे पार्किंग कर दिया था सुबह मैंने, तो अब जाके बस एक चीज़ वही देखनी है। सो यस दोस्तों, वो पीछे जो दिख रही है वो मेरी बाइक है और सेफ है, तो जान में जान आ गई। सो कैसे, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, मत करो चलेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब नींद आ रही है भाई, अब हमको जा रहे थे पटरी पे वरना सो जाते आज। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड, जय हिंद।